Students, uh, we have studied Pearson R correlation and now we are going to study uh, partial correlation coefficient. A partial correlation coefficient is somehow different uh, from the other types of correlation coefficients because uh, we compute this correlation coefficient for more than two variables. आप जो नॉर्मली कोरिलेशन कोफिशियंट कंप्यूट करते हैं वो दो वेरिएबल के लिए कंप्यूट करते हैं मगर पार्शियल कोरिलेशन कॉफिशेंट जो है वो मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए कंप्यूट होता है क्यों क्योंकि इसमें हम दो वेरिएबल्स uh, का जो रिलेशनशिप है वो देखते हैं आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड और फोर्थ वेरिएबल यानी इसमें एक वेरिएबल का इफेक्ट कंट्रोल करके हम बाकी दो वेरिएबल्स के दरम्या क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं तो पार्शियल को रिलेशन कोफिशेंट जो है आ, ये आ, हम कंप्यूट करते हैं जब आपके पास पीयर्स एन आर कोरेशन कोफिशेंट्स मौजूद हों और उसके लिए वो ये ज़रूरी है कि वो लीनियर रिलेशनशिप्स हों लीनियर रिलेशनशिप्स होंगे तो आप पीयर्स आर कंप्यूट करेंगे और जब आपके पास पीअर्स आर की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर आप पार्शल को रिलेशन कोफिशेंट कम्प्यूट कर सकते हैं पार्शियल कोरिलेशन रिलेशन की वैल्यू भी लाइक पियर सेन आर माइनस वन से प्लस वन के दरमियान होती है और माइनस साइन जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है और पॉजिटिव साइन जो है वो डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है जितनी वैल्यू इसकी वन के करीब होगी उतना ही हम इस रिलेशनशिप को एबसल्यूट या स्ट्रॉग समझेंगे जितनी वैल्यू इसकी जीरो के करीब होगी उतना ही हम इस रिलेशनशिप को जो है वो वीक कंसिडर करेंगे तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो आर एक्स वाई डॉट जी इन जो है इसको हम डिनोट करते हैं पार्शियल को रिलेशन कोफिशेंट के, के लिए तो इसका फार्मूला है आर एक्स वाई माइनस आर एक्स जी इन टू आर वाई जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस आर एक्स जी और वन माइनस आर वाई जी तो अगर आपके पास मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ के आर एक्स वाई पॉइंट सिक्स थ्री है आर एक्स जी आपके पास पॉइंट फाइव सेवन है और आर वाई जी जो है वो पॉइंट एट एट है तो आपके पास जो आर एक्स वाई आफ्टर द कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ जी आएगी वो पॉइंट थ्री टू नाइन आएगी अनीशली जो आर एक्स वाई है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं वो पॉइंट सिक्सट थ्री है और अगर हम इस पर जी का अफेक्ट कंट्रोल कर लें तो ये वैल्यू पॉइंट थ्री टू नाइन रह जाएगी तो ये सिग्निफिकेंट डिग्रीज़ है आर एक्स वाई की वैल्यू में क्यों क्योंकि हमने जी के इफेक्ट को कंट्रोल किया तो जी जो है इज़ अ स्ट्रोंगर प्रिडिक्ट और वेरिएबल जो कि आर एक्स जी की वैल्यू देख लें आर वाई एक्स जी की वैल्यू देख लें तो जी का रिलेशनशिप एक्स और वाई के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इस वजह से जो है वो आर एक्स वाई के रिलेशनशिप को वो ख़राब कर रहा है जब हमने इसको कंट्रोल किया तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई आर एक्स वाई की जो कि इन तमाम वैल्यू से कम है पॉइंट थ्री टू नाइन है तो अपेरेंटली जो नज़र आ रहा था कि आर एक्स वाई के दरमियान एक सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो एक्चुअली मॉडरेट इन नेचर है तो इस तरह आप जो है इस पार्शल कोरिलेशन रिलेशन कोफिशेंट को यूज़ करते हुए जो है अपने जो अदर वेरिएबल्स होते हैं उनके अफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं एस पी एस एस में इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एनालाइज में जाएंगे को रिलेट को रिलेट में से बाई वेरिएट बाई वेरिएट के बजाय पार्शल पे आएंगे जो मेन वेरिएबल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है वो आप इसमें रखेंगे ओके okay करेंगे तो ये आपके पास जो है टेबल में आ जाएगा जिसमें ये बता रहा है फेसबुक रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर को कंट्रोल करने के बाद फेसबुक इंटेंसिटी और ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल का स्कोर क्या है तो ये पॉइंट फोर वन टू है और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि सिग वैल्यू जो है वो लेस देन पॉइंट जीरो फाइव है तो हमारा एच वन एक्सेप्ट हो गया है कि देर इज अटेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल एंड फेसबुक इंटेंसिटी तो इसकी हम आगे जाके एक्सरसाइज भी करते हैं उससे आपको इसको समझने में और आसानी हो जाएगी